जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एसएसबी ट्रेड्समैन 2020 की भर्ती, 1522 पोस्ट, जिसका पेपर हो गया, आंसर की भी आ गई है। और आप लोगों का डाउट अब यही है कि आपका रिजल्ट कब तक आए, ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि हमारा जो है रिजल्ट में नाम आया है या नहीं है। नंबर कितने हो, पर जब तक रिजल्ट में नाम ना आ जाए तो हमको संदेह बना रहता है। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम जो कंपटीशन रहने वाला है, तो एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती 2020 में रहने वाला है। पुरानी वैकेंसी है और ट्रेड टेस्ट के लिए 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे। फिजिकल तो आपका हो चुका है, ट्रेड टेस्ट के लिए खाली 20 गुना बच्चे हैं। अब सोचिए, सीआरपीएफ में 8 गुना बच्चे लिए आ रहे, जिसमें भी फिजिकल बाकी है और आपका ट्रेड टेस्ट बाकी है और मेडिकल बाकी है। यहाँ सिर्फ अभी फीस अपना ट्रेड टेस्ट और मेडिकल है, ठीक है? तो सबसे कम कंपटीशन कहाँ रहने वाला है एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती 2020 में, 1522 पोस्ट के लिए। तो रिजल्ट कब तक आएगा दोस्त? कुछ ऐसा इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए तो हम ट्रेड टेस्ट की तैयारी में लग जाएं? नहीं दोस्तों, वो आपकी जो है, क्या कहूँ अब आपके लिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर एसएसबी में इस बार सिलेक्शन लेना है तो हमको अभी से ही ट्रेड टेस्ट की तैयारी में लग जाना है। मैं 2 वीडियो बना दिया हूँ, वो आपको अभी कुछ समय में मिल जाएंगी। एक तो मैं बनाया हूँ अपनी पेंटर के लिए, एक बनाया हूँ अपना कोबलर मोची के लिए, ठीक है? दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी। वाटर कैरियर या जो वीडियो भी बाकी बची हैं, वो सारी वीडियो में क्रमबद्ध तरीके से आपको देने वाला हूँ, ठीक है? आप अपनी ट्रेड टेस्ट की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके कम भी नंबर है तो ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें, क्योंकि ये भर्ती में मेरिट हो सकता है लो रहे। क्यों रहे? क्योंकि पुरानी वैकेंसी है। पेपर का लेवल भी टीसीएस ने इतना नॉर्मल नहीं रखा, अपने आप में पेपर ठीक ठाक था। और दोस्तों, जो 13 तारीख का पेपर है, इसमें जितने क्वेश्चन गलत हैं, 2 क्वेश्चन मैथ में सुनने की आ रही है, 2 क्वेश्चन हैं, और 1 क्वेश्चन जीएस का है, जो बिहार की उसका साक्षरता दर वाला, ठीक है? तो ये 2-3 क्वेश्चन है, अगर इनके नंबर मिलेंगे तो सबको फुल मार्क्स मिलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करता हूँ रिजल्ट कब तक आ सकता है और 13 जुलाई के पेपर में गलत क्वेश्चन कितने। तो दोस्तों, 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 2 मैथ में बता रहे हैं और 1 क्वेश्चन जो है अभी जो है ऑथेंटिक, हम अभी समय नहीं मिला है, पर जो आप लोगों की तरफ से ऐसा मिला है कि 2 क्वेश्चन मैथ में और 1 जीएस में है। अगर गलत है तो सबको ये क्वेश्चनों का आंसर है वो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो रिजल्ट कब तक दोस्तों, आप चिंता ना करें, भर्ती जो है सोचोगे 2020 की भर्ती, जब अभी तक पेपर ही हुआ है, ये हुआ है, तो अभी तो रिजल्ट कब, ज्यादा नहीं दोस्तों, 15 अगस्त से पहले पहले, 15 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा 100%, अगर भर्ती वो इसी मोड में काम कर रहा है तो। क्यों? कि हमने वहां पर बात की है, अगली स्टेपों की तैयारियां वहां पे शुरू हो गई हैं आपकी जो है ट्रेड टेस्ट वाली, ठीक है? इसके बाद में 13 जुलाई को पेपर में गलत क्वेश्चन वाले हो गए, 3 क्वेश्चन गलत सुनने में मिल रही है, और इनको हम अभी और ऑथेंटिक बिल्कुल सही आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं। कट ऑफ की बात कर लें तो 10,000 के बच्चों के डेटा के आधार पर आज हम कट ऑफ बताने वाले हैं। काफी कमेंट है और काफी क्वेरीज के बाद में आपको हम जो है बताएंगे कि यहां तक अगर आपके नंबर हैं तो लग जाइए अपनी तैयारी में, किसी के बहकावे में ना आए कि 70+ रहेगी या 80+ रहेगी। नहीं दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क्स हैं, आपका कुछ ट्रेडों में सिलेक्शन उस पर भी होगा, आप देख लेना इस चीज को, जब रिजल्ट आपका फाइनल लगेगा तब मेरिट में देखना कि ऐसा बात है या नहीं है। इस वीडियो को आप याद रखना। ट्रेड टेस्ट की सटीक रणनीति, सटीक रणनीति के लिए दोस्तों आपको जो है हमारी वीडियो हम आपको बना रहे हैं, उन वीडियो पर फोकस करना है आपको जो है। कहीं कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है, कहीं घर से भागने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजों के लिए तो जाना पड़ेगा, बाकी आप जो है घर पर रहकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ट्रेड टेस्ट कब होगा? ट्रेड टेस्ट आपका दोस्तों अगस्त के लास्ट में या सेप्टेम्बर में आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। कब हो जाएगा? अगस्त के लास्ट में या सेप्टेम्बर में आपका ट्रेड टेस्ट होना चाहिए, अगर इसी में तहत अगर भर्ती चलती रही तो। कट ऑफ ऑल इंडिया रहेगी? जी हाँ, आपकी जो है कट ऑफ ऑल इंडिया रहने वाली है। बिल्कुल ही अपने दिमाग से डाउट निकाल दे कि हम तो आसाम के हैं, हमारे तो 50 है, हमारा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ ऑल इंडिया लेवल पर कट ऑफ लगने वाली है। ट्रेड टेस्ट की तैयारी में लग जाए या नहीं? जी हाँ, अगर आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी में नहीं लगते हैं तो यह आपके लिए ही दुखदायी होगा, क्योंकि कुछ चीजों को सीखने के लिए हमें समय लगता है। जैसे पेंटर का हमने बात किए और वीडियो भी बनाए हैं दोस्तों, पेंटर में लिखना पड़ता है जो एक दिन में आदमी नहीं सीख सकता, समय लगता है, ठीक है? कुक है, खाना बनाना एक दिन में नहीं सीख सकता, समय लगता है। वाटर कैरियर है, कुछ काम तो ऐसे सफाई वाला 10 दिन में सीख सकता है, परंतु
कुछ काम ऐसे जैसे सिलाई का है, सिलाई में बहुत समय लगता है, सिलाई की भी मैं वीडियो जो है बात चल रही है, जैसे उनसे बात हो जाएगी आपको सिलाई की वीडियो भी देने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं अब बात करता हूँ जैसे ड्राइवर कट ऑफ है, तो ड्राइवर दोस्तों जैसे अनरिजर्व है, ओबीसी है, एससी है, एसटी और अपना ईडब्ल्यूएस, कौन ईडब्ल्यूएस, इन लोग सभी के लिए दोस्तों जैसे एससी एसटी वाले हैं, एससी की सीट ज्यादा है, ये तो 45 से लेकर 50 वाले भी अपनी तैयारी करें ट्रेड टेस्ट की, और ये जैसे एसटी वाले हैं तो 50 से लेकर 55 वाले तैयारी करें ट्रेड टेस्ट की, अनरिजर्व वाले अगर हैं तो 55 से लेकर अगर 60 नंबर आपके हैं ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें, और ये फाइनल में भी बदल सकती है अगर आप जो है बच्चे सीरियस नहीं हुए और उन्होंने समय नहीं दिया, जैसे आपके रिटर्न के लिए समय नहीं दिया, 6 दिन के अंदर अंदर आपके जो है कॉल दे दें कि आपका एग्जाम जो है इस तारीख से है, 15 को शायद दिए थे, 15-16 को 21 में आपका एग्जाम था, इसी प्रकार से अगर यहाँ समय नहीं दिया तो आपकी यही रियल में बदल जाएंगी जो है, समझ गए। इसके बाद ओबीसी, ओबीसी अगर जो है 55 से लेकर 57 तक है आपके तो ये, और ईडब्ल्यूएस वाले जो है 50 से लेके 55, ठीक है। तो आप लोग अगर इतना भी कट ऑफ आपकी है, मतलब आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें, बिल्कुल करें, ठीक है। इसके बाद में अगर हम अदर सभी जितने भी ट्रेडर हैं सभी की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल से हैं और कोई सी भी आपकी ट्रेड रहे, किसी राज्य के रहे, उससे को मतलब है नहीं, तो आप अगर 65 से लेके 70 आपके हैं, 65 से लेके 70 हैं, अनरिजर्व में भी हैं, तो आप जो है अपनी ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें, क्योंकि नंबर जो है यहीं पर आपका सिलेक्शन भी बदलेंगी, क्योंकि बच्चे जो है ट्रेड टेस्ट में काफ़ी फेल होते हैं, ये हमने वहाँ पर रहकर खुद देखा है कि कितने बच्चे ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाते हैं। और बाकी अगर हम बात करिए अनरिजर्व के लिए हैं, और काफी बच्चों के सर्वे के बाद मैं बता रहा हूँ, एक दो नहीं, आप जो है कमेंट बॉक्स में खुद खोल लेना कि इस लेवल में कितने बच्चों का जो है हैं। इसके बाद में अब जैसे एक दो को तो हम कहते नहीं, जैसे कि सफाई की है, सफाई की हो सकता भैया थोड़ी सी हाई रहे, पर इससे हाई मेरे को तो नहीं लगता जाए, ये हाई मैं बता रहा हूँ, अगर इतने नंबर है तो आप फाइनल तक चले जाएंगे, ठीक है। और जैसे ओबीसी है, ओबीसी के लिए दोस्तों आपके अगर 60 से लेकर 65 में है, 60 से लेकर 65 में, तो दोस्तों बिल्कुल अपनी जो है ट्रेड टेस्ट की तैयारी कीजिए। और एक बार बताइए, अगर आप सीख जाते हैं कोई काम तो आपको नुकसान तो देगा नहीं, अगर आप कोई काम सीख लेते हैं नुकसान तो नहीं देगा, अगर आपने पेंटिंग सीख ली या कोई आपका ड्रीम है अगर सीख लेते हैं तो वैकेंसी तो फिर आ रही है, किसी ना किसी विभाग में आप फॉर्म और भी भरे होंगे तो वहाँ पर काम देगा, तो इसलिए अगर आपके मिनिमम नंबर भी हैं तो आप जो है अपनी तैयारी को करें। जैसे एससी वाले हैं तो एससी वाले दोस्तों अगर आपके 55 से लेके 60 भी हैं, 55 से लेके 60 भी हैं, तो आप करें तैयारी, ठीक है, किसी भी ट्रेड में रहे हों, यहाँ हम बात करें किसी भी ट्रेड की, ठीक है। और जो हमारी महिला बहनें हैं वो भी 55 पे, क्योंकि 55 अगर आपके 55 से लेके 60 के बीच में है बिल्कुल लगी रहें, और अगर मिनिमम भी हैं तब भी अपनी तैयारी में लगे, क्योंकि भाई मैरिड ज्यादा नहीं रहने वाली है, तो अनरिजर्व ओबीसी एससी और एसटी वाले 50, अगर आपके 50 है, जैसे ड्राइविंग, ड्राइविंग के लिए देख रहे हैं ड्राइविंग, तो अदर के लिए अगर 50 भी हैं तो आप जो अपनी तैयारी को करें, 50 से 55 आपके हैं तो बिल्कुल तैयारी करें ट्रेड टेस्ट की, ठीक है। तो दोस्तों अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस भी जो है 55 से लेके 60 तक, 55 से 60 आप लोग भी इसी पे जो है ईडब्ल्यूएस वाले भी तैयारी करें। काफी बच्चों का डेटा देखा है, काफी कमेंट देखे, कम से कम 10,000 तो हमारी वीडियो ऊपर चली गई है, आप खुद देख सकते हैं, उसमें मैं खुद एनालिसिस किया हूं, इस रेंज से ऊपर नंबर बच्चों के नहीं है, ठीक है। अब रही बात यह कि भाई ये कितने आंकड़े आप लोगों के सही बैठते हैं, ये तो खैर समय ही बताएगा, पर मैं आशा करता हूं आप लोगों का जो है मिनिमम मार्क्स पे ही इस बार सिलेक्शन होगा, क्योंकि एसएसबी के बराबर कम कंपटीशन कहीं नहीं है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं। और दोस्तों एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने जो ये ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी है तो आप जो हम वीडियो डाल रहे हैं उन वीडियो को अच्छे से रीड कर लें, आपको ट्रेड टेस्ट में दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं करेगी, क्योंकि मैं खुद एसएसबी में जो कार्यरत हैं उनसे ही बात करके आपकी जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। दोस्तों मिलूंगा फिर अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।